यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, जब मदीनतुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबेईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया, कहा तुम कौन हो, कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं, तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो, तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था, तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की, 700 सहाबा हर्रा के वाकये में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबेईन शहीद किए, मस्जिद नबवी में मिंबरे रसूल के साथ घोड़े बांधे और वो मिंबरे रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे, 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुरमत पामाल की, मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है, 1,002 शीजाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कंवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्ला पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया, वो तो यजीद मर गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुर्मती और तौहीन की, न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए, इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखदरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होके कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, ज़ालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पर बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला ना हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी, और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे, और सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां, और वो बरहा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे, और लाश ये पड़ी है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, रसूलुल्लाह ऐ प्यारे आका, या जद्दा हो, ऐ हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है, या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई,
और फिर कहा बना तो का सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए, ऊंटों पे कस दिया गया है, सदे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी जमाने में हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के खानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको जैनब कहा करते थे। तो सैयदा जैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो बदनसीब।